बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक फरमान बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुज़रे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुज़रे। वह अपने भाई को हया, शर्म और पाकदामनी इख्तियार करने पर नसीहत कर रहा था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का एक हिस्सा है। फिर सुन लें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुज़रे। वह अपने भाई को हया, शर्म और पाकदामनी इख्तियार करने पर नसीहत कर रहा था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बातौर ताकीद फरमाया, हया ईमान का एक हिस्सा है। तिर्मिज़ी की हदीस के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी नज़रों में हया पैदा किया करें, अपने अंदर हया को पैदा करें, इसलिए कि हया ईमान का एक हिस्सा है। इस वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।